Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. Guys, Spoken English का ये सीरीज चल रहा है और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हम किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर या थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में सवाल करते हैं. के बारे में हम जिससे सवाल करेंगे वो सेकेंड पर्सन होगा. मैं आपको ऐसे समझाता हूँ. देखिए, दो लोग हैं गाइज, दो लोग आपस में इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, तो जो व्यक्ति सबसे पहले मुंह खोलेगा वो व्यक्ति कहलाएगा फर्स्ट पर्सन. अगर मैं कुछ कहता हूं ऐसे तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन. अब मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, तो आप क्या हो गए? सेकेंड पर्सन हो गए. तो जो सवाल पूछ रहा है वो फर्स्ट पर्सन, और जो उस सवाल का जवाब देगा, जो उसको सुन रहा है, वो सेकेंड पर्सन हो गया. तो हमने शुरू के दो वीडियोस के अंदर, या तीन वीडियोस शायद मैंने दिए हैं, उसके अंदर हमने ये देखा है कि कैसे हम सामने वाले से सवाल करेंगे सामने वाले के बारे में. मैं फिर से दोहरा दूं, सामने वाले से सवाल कर रहे हैं और सामने वाले के बारे में, यानी कि इसी के बारे में. ये जो यू है ना, हमारी नजरों से जो सामने वाला यू है, हम उसी के बारे में इंक्वायरी ले रहे थे. क्या तुम ऑफिस जाते हो? क्या तुम खाना पकाते हो? तुम कहाँ रहते हो? तुम क्यों जाते हो? तुम कब सोते हो? तुम किसके साथ रहते हो? तुम कितने बजे पानी पीते हो? तुम क्या चाहते हो? हमने सब कुछ पूछ लिया, क्वेश्चन भी लगा लिया हमने, यस नो वाला, WH भी लगा लिया हमने. ऐसे बड़े बड़े सेंटेंसेस भी देखे कि मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो, टेल मी वेयर यू लिव, ऐसा भी कर लिया. तो हमने इसको तो पूरा जान लिया है, सामने वाले को. अब हम क्या करेंगे, आज इसी सामने वाले से हम बात करेंगे, लेकिन अब इसके बारे में कुछ नहीं जानेंगे, अब हम जानेंगे किसी और के बारे में. ये बनेगा मीडिएटर. हमारा सवाल जाएगा इसके पास, ये अपनी कानों से उसे सुनेगा, ये रिस्पॉन्ड करेगा हमें, ये जो जवाब देगा, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं होगा, जो होगा वो इसके बारे में होगा, थर्ड पर्सन के बारे में. अब ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, हो सकता है कि इसका कोई रिश्तेदार हो, इसका जानने वाला हो, और नहीं तो ये कोई भी हो सकता है. अगर इसके पास इंफॉर्मेशन है ये हमें इंफॉर्मेशन देगा, अगर इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो नहीं देगा. लेकिन हम सवाल किससे पूछेंगे? सवाल हम पूछ रहे हैं यू से, लेकिन इसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं किसी और के बारे में. तो जब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप अपने सामने किसी को बैठाइए, आपका भाई हो, दोस्त हो, कोई भी हो. अब आप उससे सवाल कीजिए किसी और के बारे में, उसके दोस्त के बारे में, उसके डैडी मम्मी. तो याद रखिए कि अभी हमें सिर्फ सिंगुलर के बारे में जानना है. कहने का मतलब यह कि मैं फर्स्ट पर्सन, मैं सवाल करूंगा, मैं फर्स्ट, आप मुझे जवाब देंगे. सवाल करूंगा आपके बारे में नहीं, मैं जानना चाहता हूं आपके पापा के बारे में, आपकी मम्मी के बारे में. तो जब मेरा सवाल आपके पापा के बारे में होगा, तो आपके पापा कौन हो गए? मैं फर्स्ट, आप सेकेंड, पापा कौन हो गए? थर्ड. थर्ड में वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? पापा एक है तो सिंगुलर है. अगर मैं पापा और मम्मी दोनों की बात करूं, अब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा. इसीलिए मेरे टॉपिक का नाम है थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी कि बंदा तब भी थर्ड पर्सन ही है, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक के बारे में इंफॉर्मेशन लूंगा तो मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में पूछ रहा हूं. अगर मैं एक ही साथ दो के बारे में, दस के बारे में इंफॉर्मेशन लूंगा तो मैं थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में बात करूंगा. तो फिलहाल मैं सिर्फ सिंगुलर की बात करने वाला हूं, ठीक है? तो ये जो सिंगुलर है, अब ये सिंगुलर कोई भी हो सकता है. तो जब हम इससे, इसके बारे में जब सवाल पूछेंगे दोस्तों, तो सवाल पूछने के तो दो तरीके होते हैं. एक होता है यस या नो निकलवाना, यू नो, इसको कहते हैं यस नो क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चन. तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई एक बात बताओ कि क्या तुम्हारे पिताजी चाय पीते हैं? क्या जानना चाह रहा हूं मैं जानना चाह रहा हूं हां या ना. आपके पिताजी चाय पीते हैं, हां या नहीं पीते हैं, ना. तो ये उगलवाने के लिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब वाला जो हथियार है, जो मुंह खोलते जो पहला वर्ड आने वाला है, उसे कहते हैं डज, DOES, डज. इसको आप याद रख लीजिएगा, हमें डज बोलना है. डज के बाद हमें देखना है कि जिस बंदे के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो बंदा, इसका, ये जो सामने वाला है, इसका कुछ लगता है क्या? अगर इसका कुछ लगता है तो हमें पहले योर लगाना होगा. मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, तो मैं आपके पापा के बारे में पूछूंगा, वो पापा तो आपके है ना, तो मैं क्या बोलूंगा? डज योर फादर, योर मुझे लगाना पड़ेगा. तो डज के बाद आप योर तब लगाएंगे जब आपके सामने जो व्यक्ति है
उसका ये थर्ड पर्सन कुछ लगता हो, चाहे उसके पापा हो, मम्मी हो, भाई हो, दोस्त हो, बहन हो, तो आप योर लगाएंगे और योर के बाद ये सिमिलर, यानी कि उसका क्या रिश्ता है, फादर है फादर लगा देंगे, दोस्त है तो फ्रेंड लगा देंगे, मम्मी है तो मदर लगा देंगे। आप समझ पा रहे हैं? डज योर फादर, डज योर फ्रेंड, डज योर मदर, डज योर गर्लफ्रेंड, डज योर बॉयफ्रेंड, डज योर सन, डज योर सिस्टर, डज योर डॉटर। ओके, तो हम योर 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 कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसका ये कुछ ना कुछ लगता है। नहीं लगता है तो फिर और उपाय होगा। चलो जी, ये हो गया। उसके बाद जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाइक गो, कम, ईट, ड्रिंक, एस वैस नहीं लगेगा कुछ भी, याद रख लीजिए। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, और अगर टाइम है कि सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात है, हर रोज है, वो आप यहाँ पर दिखाइए। तो अगर मेरे मन में सवाल है कि यार मैं इससे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हारे पापा चाय पीते हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, डज योर फादर टेक टी, समझ रहे कि डज योर फादर टेक टी, ऐसे मेरा सवाल जाएगा। तो आपको क्या करना है, चूंकि आप बिगनर्स हैं तो आप डज मतलब सामने वाले से आप सवाल करेंगे तो सबसे पहले यस नो के ऊपर कम से कम 20 क्वेश्चंस। डज योर मदर गो टू ऑफिस, डज योर फादर स्मोक, डज योर ब्रदर गो टू स्कूल, डज योर सिस्टर गो टू कॉलेज, डज योर मदर कुक फूड, डज योर फादर मेक टी, डज योर फादर रीड न्यूज़पेपर, डज योर फ्रेंड कम टू योर हाउस, ऐसे करके बहुत सारे आप सवाल तैयार करेंगे। और इस सब में योर योर लग रहा है क्योंकि आप सामने वाले से उसी के किसी जानने वाले के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत? वीडियो बड़ी हो सकती है, मैं डिटेल पे काम कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, हो गया सवाल। तो मान लीजिए मैंने सवाल पूछा कि भाई क्या तेरे पापा चाय पीते हैं, तो डज योर फादर, उसके बाद मैंने बोला टेक टी। ओके, इस सवाल को जब ये बंदा सुनेगा तो ये हमें रिस्पॉन्ड करेगा, ये जवाब देगा अपने बारे में नहीं, पापा के बारे में ये जवाब देगा। तो इसके पास दो ही ऑप्शंस है, या तो बोलेगा हाँ या बोलेगा ना। तो अगर हाँ बोलेगा तो पूरा सेंटेंस कैसे बोलेगा? अगर हाँ बोलेगा तो हम आते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। और अभी हम जितने भी सवाल जवाब कर रहे हैं, रूटीन एक्टिविटीज या हैबिचुअल जो एक्टिविटीज होता है, देख रहे हैं, रूटीन एक्टिविटीज या जो आपकी डेली लाइफ में आप खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, जो होता रहता है, चाहे साल में हो, महीने में हो, हफ्ते में हो, वो होता है तो होता है। आप चाय पीते हैं तो पीते हैं सर, आपकी रूटीन है, आपकी हैबिट है। आप खेलते हैं तो खेलते हैं, चाहे आप साल में एक बार खेले, तो उसी की इंफॉर्मेशन निकलवानी है। तो वो हाँ में कैसे जवाब होगा? ये बंदा बोलेगा यस, हाँ जी। अब यहां सब्जेक्ट क्या आएगा? मैं कह रहा हूं योर फादर, योर, तो जब आप जवाब देंगे तो आप क्या बोलेंगे? माई फादर। ये योर को आप योर फादर नहीं बोलेंगे, आप माई बोल देंगे। कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं। तो आपका जवाब होगा कि यस माई फादर। अब यहां पर मैंने तो सवाल में पूछा था कि डज योर फादर टेक टी, मैंने टेक बोला था, लेकिन जब आप हाँ में जवाब देंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, आप टेक नहीं बोलेंगे, उसमें चेंज कुछ करेंगे। आप क्या करेंगे कि जहां आप टेक बोलते थे, अब आप टेक्स बोली, टेक्स। ग्रामर के हिसाब से आपको वर्ब में एस या ई एस लगाना है, स्पेलिंग को मद्देनजर रखते हुए कि किसमें एस सूट करेगा, किसमें ई एस सूट करेगा। लेकिन अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए जरूरी नहीं कि इंसान पढ़ा लिखा हो। मेरा बेटा अभी UKG पास किया है, वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, उसे तो अब ढंग से ABCD लिखना भी नहीं आता है, ढंग से किताब नहीं पढ़ सकता है, तो फिर भी अंग्रेजी बोलता है। तो अंग्रेजी हम कैसे बोलते हैं? हम सुनते हैं, रिपीट करते हैं। तो आपको एस यस लगाना नहीं आता, कोई बात नहीं, आपको इतना तो पता है कि टेक और टेक्स दोनों वर्ड का उच्चारण देखिए, तो आपको बस स, ऐसे करना है बस। जहां टेक है तो टेक्स, कम है तो कम्स, साउंड निकालना, इतना तो कर ही सकते हैं यार। जहां स्मोक है वहां स्मोक्स, गो है तो गोज, डांस है तो डांसेस, ऐसे आपको करना है दोस्तों। और अगर आप लिखते हैं, आपको स्पेलिंग पता है, तो करना क्या है कि कोई भी ऐसा वर्ब हो जैसे गो है, तो अगर उसके लास्ट में ओ आ जाता है, ओ आता है, आप ई एस लगा दो, गोज। अगर उसके लास्ट में आता है सी एच, जैसे अगर गो है लास्ट में ओ आया तो आप ई एस लगा दोगे इसके अंदर, तो बन जाएगा आपका गोज। अगर सी एच आ जाए, जैसे कि टीच है, तो इसमें आपको ई एस लगाना है, तो ये बन जाएगा टीचेस, टीचेस। अगर कहीं पर डबल एस आता है, डबल एस किसी स्पेलिंग के लास्ट में, जैसे कि प्रेस,
इम्प्रेस इस तरह से, तो भी ई एस आप लगा दोगे, जैसे ये प्रेस है तो ई एस लगा दो तो क्या बन जाएगा, प्रेसेस। अगर एस एच आ जाए लास्ट में, जैसे कि वॉश, वॉश, आप ई एस लगा दो क्या हो जाएगा, वॉशेस, वॉशेस। अगर लास्ट में एक्स आ जाए, जैसे कि वैक्स, वैक्स का मतलब होता है परेशान करना, तंग करना, टैक्स इस तरह से अगर आ जाए तो आप क्या करोगे, ई एस लगा दोगे, वैक्सेस, ऐसे हो जाएगा। और कुछ होते हैं जैसे आपको स्टडी बोलना है, स्टडी, तो आपने फिर वो रूल चलेगा वो नाउन वाला कि अगर इधर वाई आ जाए उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो आपको पता है ना आई ई एस लगाते हैं, तो स्टडीज, वरी है तो वरीज, तो इतना तो बेसिक सबको पता होता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, एस या ई एस लगाना है, कहां कहां ई एस लगेगा देख लिया आपने, ठीक है जी। चलिए तो फिर से जरा इसको सही से आंसर करके देखते हैं। मुझे बोला है कि डज योर मदर कुक फूड, तो मैं, मेरा सवाल आपसे है, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, बात किसके बारे में हो रही है, मदर के बारे में। मम्मी क्या हो गई जी, थर्ड पर्सन, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। तो मैंने पूछा डज योर मदर कुक फूड, आपको हाँ में जवाब देना है, कैसे देंगे, यस माई मदर कुक्स, इस पर फोकस करना है, कुक्स फूड। एंड आप बात को मानिए, अगर आपको ये मजाक लग रहा है तो आप भूल जाइए, आपको एस लगाना है। आप ऐसे बोलेंगे कि माई मदर कुक फूड, आप तो कुक बोल के निकल गए, आपकी इंप्रेशन खराब हो जाएगी, कुक्स है तो कुक्स है तो है। एनीवेज, अगर मेरा सवाल है कि क्या आपका भाई कॉलेज जाता है, तो मैं कैसे पूछूंगा, डज योर ब्रदर गो टू कॉलेज, आप बोलेंगे हाँ मेरा भाई कॉलेज जाता है, यस माई ब्रदर गोज goes to college। अब चूंकि स्पोकन इंग्लिश है तो हमें लिखना नहीं है, बोलना ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे पहला मैं आपको काम दे रहा हूं कि आपने डज से 20, मैं तो कहता हूं 50 questions पहले लिख लो, questions पहले लिख लो, does your mother, does your father, does your brother, पहले तो जितने उसके रिश्तेदार है उसके बारे में, नहीं तो जो इसको नहीं जानता होगा उसके बारे में, does that girl, does this boy, does your neighbor, does your friend's friend, ऐसे कर करके 50 questions आप तैयार कर लो, 50 एक्शन होने चाहिए उसके अंदर, कभी खाना है तो कभी पीना है तो कभी रोना है। अब आप बैठो, उसके बाद एक क्वेश्चन को पढ़ो, जैसे कि डज योर फादर गो टू मार्केट, तुरंत उसका यस में पहले जवाब दो, ताकि पॉजिटिव पे आपका जुबान एकदम परफेक्ट हो जाए, पॉजिटिव में जवाब दो, डज योर फादर गो टू मार्केट, यस माई फादर गोज टू मार्केट, डज योर मदर कुक फूड, यस माई मदर कुक्स फूड, डज योर सन स्पीक इन इंग्लिश, यस माई सन स्पीक्स इन इंग्लिश, डज योर फ्रेंड कम टू योर हाउस, यस माई फ्रेंड कम्स टू माई हाउस, डज योर ब्रदर डांस, यस माई ब्रदर डांसेज, डज योर टीचर पनिश यू, यस माई टीचर पनिशेज मी, डज योर टीचर लव यू, यस माई टीचर लव्स मी, समझ रहे हो, यस 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 करके लगे क्या आज कुछ किया है, स्पोकन है सर, बोलना तो पड़ेगा। अब आते हैं नेगेटिव, अगर नेगेटिव बोलना है तो क्या करेंगे, नेगेटिव में सबसे पहले आप नो कर लीजिए, नो करने के बाद फिर वही बात है सब्जेक्ट, अगर मैं कहता हूं डज योर फादर तो आंसर में फिर माई फादर होगा, योर फादर तो होगा नहीं, तो वो सब्जेक्ट, उसके बाद आपको डजंट लगाना है, डजंट, जैसे कि आपने बोला नो, आपको बोला नहीं मेरे पापा चाय नहीं पीते, नो माई फादर, आपको यहां पर डजंट बोलना है। जैसे आपने डजंट बोला तो ध्यान दीजिए, वो जो आप अभी आप गोज कम्स ड्रिंक्स कर रहे थे ना, वो नहीं करना है, नॉर्मल हो जाइए। जैसे डजंट बोला, नो माई फादर डजंट टेक कर दीजिए, डजंट टेक टी, यानी कि आपने क्या देखा कि जब कोई सवाल पूछ रहा है तो सवाल में वो नहीं करेगा, वो डज से सवाल पूछेगा कि डज योर फादर मेक टी या टेक टी, वो एस नहीं लगा रहा है। आप जब पॉजिटिव में जवाब देते हैं तो आप एस या यस लगाते हैं कि यस माई फादर टेक्स टी, लेकिन जब आप नेगेटिव में जवाब देते हैं तो कहते हैं नो माई फादर डजंट टेक टी, टेक टेक्स नहीं, समझ गए। और ये जो नो है ना, कई लोग कहेंगे ये नो बोलना जरूरी है, तो गाइस चूंकि सवाल ही ऐसा पूछा गया है कि यस या नो ही जवाब हो सकता है, तो ये एक स्टाइल है, हाँ हाँ ना ना जो करते हैं ना, जैसे मैंने बोला यार क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें पीटती है, ना 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 कहाँ पीटती है, तो ना 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 इतना बड़ा जो ना 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 है ना, वो नो 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 ऐसे बोल दीजिए, बाकी है कहाँ पीटती है, तो ये कहाँ का मतलब वेयर नहीं है, इसका मतलब नहीं पीटती, नो नो शी डजंट बीट मी, ऐसे होता है। तो अब आप क्या करेंगे, वही 50 जो क्वेश्चन है, अब आप नेगेटिव की प्रैक्टिस करेंगे। अब फिर सवाल,
Does your father smoke? No, my father doesn't smoke. Does your brother go to school? No, my brother doesn't go to school. Does your sister make food? No, my sister doesn't make food. Does your mother wash your clothes? No, my mother doesn't wash my clothes. Does your son play with you? No, my son doesn't play with me. ऐसे आपको करना है, कहीं बैठ जाइए 50, अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता तो मैं 100 क्वेश्चंस टारगेट बनाता, पहले पॉजिटिव का आंसर, मतलब क्वेश्चन पूछा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, लगना चाहिए यार, प्रैक्टिस किया है, कुछ बोलना है, नहीं तो मैं वही बात कहता हूँ कि आप दिन भर में 100 वीडियोज देखिए तमाम टीचरों के और ख्वाब देखिए आप अंग्रेजी सीख जाएंगे, नहीं सीखेंगे, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कड़वी सच्चाई है। एनीवेज, तो समझ गए, यस नो क्वेश्चंस पे हमें पहले काम करना है, ये आपने कर लिया। अब है कि क्या हम हमेशा योर करते रहे, तो योर जरूरी नहीं है। मैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे मिटा के कुछ और भी लिखना है, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। सो गाइज, अब देखिए कि अब अगर मान लीजिए जो थर्ड पर्सन है वो इसका कुछ ना लगता हो और तब भी मुझे इसी के मुंह से इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, हो सकता है जानता हो, तो मान लीजिए कि दूर कोई लड़की खड़ी है, दूर है, किससे दूर है, मुझसे भी दूर है और मेरे सामने जो व्यक्ति है इससे भी दूर है, और हमें उस लड़की के बारे में इसके मुंह से एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे बोलना, अच्छा एक बात बता यार, क्या वो लड़की तुझे पसंद करती है, अगर ये पूछना है हम क्या करेंगे, डज। अब डज के बाद जब किसी दूर, कोई दूर हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी हो, और वो सिंगुलर हो, तो हम इशारा कैसे करते हैं, दैट बोलते हैं, दैट दैट बोलते हैं। हिंदी की तरह देखेंगे तो हिंदी में वह लिखा होता है, हिंदी को भूल जाइए फिलहाल, अंग्रेजों की तरह जरा सोचिए। तो आपको बोलना है कि क्या वो लड़की, अब वो लड़की हो तो दैट, और यहां पर लड़की है तो गर्ल, लड़का होगा तो बॉय, आदमी होगा तो मैन, औरत होगा तो वुमेन, लेडी, मतलब जो है, कार है तो दैट कार। तो आपको पहले डज बोलना है, फिर आपको दैट लगाना है, दैट का मतलब कोई चीज फार है, अंग्रेज ऐसे सोचते हैं कि फार है और अकेला है, दूर है और सिंगुलर है, हम सोचते हैं दैट मतलब वह, हम कुछ ऐसा सोचते हैं। एनीवेज, तो डज दैट गर्ल, बाकी वर्ब में वही फर्स्ट फॉर्म। तो मेरा सवाल है कि यार क्या वो लड़की तुझे पसंद करती है, डज That girl like you? हम ऐसे बात करेंगे, Does that girl like you? इस तरीके से। अब उसका जवाब क्या होगा पॉजिटिव में, हाँ यार वो लड़की मुझे पसंद करती है, Yes, that girl likes me, हाँ वो लड़की मुझे पसंद करती है, नहीं यार वो लड़की मुझे नहीं पसंद करती, No, that girl doesn't like, नहीं आएगा, doesn't like me, No, that girl doesn't like me. हम ऐसे बात करें। अब याद रखिए, जब हमने एक बार that girl बोल दिया है, और फिर हम उसके बारे में और भी information ले, वो कहाँ रहती है, वो क्या करती है, तो फिर हमें बार बार that girl तो नहीं बोलना है, हम क्या करेंगे, she लगा देंगे, उसकी जगह क्या कर देंगे, she लगा देंगे, वो कहाँ रहती है यार, तो WH लगाइए, where does she live, फिर वो जवाब देगा, she lives in Delhi, वो क्या करती है यार, what does she do, वो स्टूडेंट है, शी इज अ स्टूडेंट, या वो ऑफिस जाती है, शी गोज टू ऑफिस, वो किसके साथ रहती है यार, विद होम डज शी लिव, वो अकेले रहती है, शी लिव्स अलोन, ऐसे आप जवाब देंगे गाइस, समझ में आ रहा है। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम योर करके भी बात कर सकते हैं, अगर सामने वाले का कुछ लगता हो जो जवाब देगा हमें, और नहीं तो दैट गर्ल, अगर वो नजदीक होती, ये नजदीक होती लड़की, तो हम क्या बोलते, फिर हम दैट बोलते नहीं, हम बोलते दिस, हम बोलते दिस गर्ल, यदि हम नजदीक में है, हमने बोला ओए क्या लड़की तुझे पसंद करती है, तो डज दिस गर्ल, ऐसे डज दिस गर्ल, क्या ये मार्कर काम करता है, नजदीक है, डज दिस मार्कर, हम इसको इट भी कह सकते, इट बोलेंगे तो फिर इट मार्कर नहीं बोल सकते ना, लेकिन हम दिस मार्कर तो बोल ही सकते, दैट और दिस तो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए होता ही है, तो डज दिस मार्कर वर्क, यस दिस मार्कर वर्क्स, नो दिस मार्कर डजंट वर्क, वर्क ऐसे नहीं आएगा, ठीक है जी। तो यहां क्या क्या सब्जेक्ट हो सकता है मैं आपको जरा बता दूं, फिर से देख लीजिए, डज के बाद
हम योर भी लगा करके बोल सकते हैं, योर फलाना। हम माई भी लगा सकते हैं, माई। हम लगा सकते हैं हिज, हर। दिखाई दे रहा है आपको, कहाँ तक दिखाई देगा? यहाँ तक देगा। हिज, हर। आर भी लगा सकते हैं, आर। हम देयर भी लगा सकते हैं, देयर। ओके, ठीक है। क्यों लगाएंगे? अब ध्यान देते रहिए। क्या तुम्हारे पापा बाजार जाते हैं? डज योर फादर गो टू मार्केट? क्या मेरा बेटा तुम्हें गाली देता है? क्या मेरा बेटा? अभी भी हम दो लोग बात कर रहे हैं, बात थर्ड पर्सन की कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की रूटीन, एक्टिविटीज, उसके हैबिट के बारे में। तो वो जरूरी कि सिर्फ तुम्हारा ही होगा? मेरा भी तो कोई बंदा हो सकता है, मेरा भी जानने वाला हो सकता है। तो बात तो दो ही लोग कर रहे हैं, जिसके बारे में कर रहे हैं वो थर्ड है, और वो किसका रिश्तेदार है वो छोड़ दो, वो किसी का भी हो सकता है। अगर मेरा है तो मैं लगाऊंगा। तो क्या मेरा बेटा तुम्हें गाली देता है? डज माई सन एब्यूज यू? उसी तरह हिज, हिज में क्या होगा? हिज का तो और लोचा है। मैं इससे सवाल कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि क्या उसका बेटा, अब उसका बेटा या तो सामने जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर मैं बोलूं कि क्या इसका बेटा, तो इस बंदे के बेटे के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर ये मेल है तो हिज और उसका बेटा हो गया सन। अगर ये फीमेल है तो हर सन, हर हस्बैंड। तो मुझे इंफॉर्मेशन निकालनी है। मान लीजिए मैंने पहले आपसे बात की आपके पड़ोसी के बारे में कि अच्छा यार, क्या तुम्हारा जो पड़ोसी है वो तुम्हारी मदद करता है? सो डज योर नेबर हेल्प यू? आपने बोला यस, माय नेबर हेल्प्स मी। फिर मैंने पूछा क्या उसकी पत्नी तुमसे चीनी मांगती है? अगर मैंने इसे पूछा तो क्या उसकी पत्नी, अब क्या होगा? डज, अब उसकी पत्नी, वो जो नेबर है वो मेल है, तो उसकी पत्नी, तो हिज वाइफ। तो डज हिज वाइफ आस्क यू फॉर सम शुगर? ऐसे करके हम बोले, ठीक है जी। उसी तरह बेटा, हमारा बेटा, हम दो हैं चलेगा, लेकिन अभी भी हम फर्स्ट पर्सन है, बट हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। तो क्या हमारा बेटा, वो बेटा तो थर्ड पर्सन ऊपर से सिंगुलर है, तो क्या हमारा बेटा आपको परेशान करता है? ऐसे होगा। तो मैं बस आपको दिखा रहा हूं कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, और सारे अभी सिंगुलर की हम बात कर रहे हैं, नो प्लूरल, अभी सिंगुलर की बात कर रहे हैं। उनका, देयर, क्या उनका बेटा, वहां दो लोग खड़े, मैं बोलू यार एक बात बता, क्या उनका बेटा तुम्हें परेशान करता है? तो डज देयर सन, उनका बेटा, देयर सन डिस्टर्ब यू? ऐसे। तो ये आपका हो गया। और आपने किताबों में तो पढ़ा ही होगा कि डज के बाद ही, शी, इट आता है, या कोई भी सिंगुलर नेम आता है, तो ये तो है ही। कि क्या वह जाता है? डज ही गो। क्या वह जाती है? डज शी गो। क्या ये काम करता है? डज इट वर्क? बट इसके अलावा इतने सारे मैंने आपको बताया कि इतने लोगों के बारे में हम इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। क्लियर है? वीडियो आज तो भैया बहुत बड़ी होने वाली है। एनीवेज, सिंगुलर का हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, हम प्लूरल पे जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि आप 50 क्वेश्चंस बनाएंगे, तो पहले उसका पॉजिटिव में जवाब, ये प्रैक्टिस सेशन बता रहा हूँ, उसके बाद नेगेटिव में जवाब, और फिर एक एक सवाल की डिटेल। जैसे आपने सवाल पूछा कि डज योर ब्रदर गो टू कॉलेज, तो पहले जवाब देंगे यस माई ब्रदर गोज टू कॉलेज। अब उसकी डिटेलिंग, वेन डज योर ब्रदर गो टू कॉलेज? ओ माई ब्रदर गोज टू कॉलेज इन द मॉर्निंग। How does he go to college? He goes to college by his friend's car. Oh, friend's car. Where does his friend live? His friend lives in Delhi. How does he go to his friend's house? Oh, he goes to his friend's house by metro. मतलब full बातें करनी है आपको। इस spoken English जो मैं videos बना रहा हूँ, इसका एक ही मतलब है, आपको speaking करा देना। और मैंने शुरू किया था हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एंड हाउ टू रिप्लाई। हम इसी को टारगेट बनाएंगे, तभी हम कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे। कॉन्वर्सेशन में सवाल जवाब स्टोरी, तीनों चीजें होती है। अभी हम सवाल जवाब पे काम कर रहे हैं, फिर हम स्टोरी पे भी आएंगे बाद में। फाइन गाइस, ये हो चुका है। अब मैं प्लूरल सिखाने आपको जा रहा हूं। सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम किसी थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में सवाल पूछेंगे और जवाब देंगे। थर्ड पर्सन प्लूरल, देखिए गाइस, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आप डज लगाते थे, लेकिन अगर आप फिर से देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन बंदा सेकेंड पर्सन से सवाल कर रहा है थर्ड पर्सन के बारे में। अगर यहाँ थर्ड पर्सन एक ना हो, एक और आ जाए, तब क्या होगा? है तो थर्ड पर्सन ही ना, बट अब अकेला नहीं है, अब दो लोग हैं। मान लीजिए उधर दो लड़कियां खड़ी हैं, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या वे लड़कियां तुम्हें जानती हैं, अब क्या होगा भाई?
आपने तो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सीखा, ही शी इट राम सोहन सीता गीता। भैया वहां पर दो हैं, आप क्या करोगे? सवाल क्या नहीं पूछोगे? पूछोगे। कैसे? देखिए, आप पहले डज करते थे, आपको डज नहीं करना है। जहां पर दो या दो से ज्यादा दिखाई दे आप डू लगा दीजिए। कब? रूटीन एक्टिविटीज हो, हैबिचुअल एक्शन, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं। फर्स्ट पर्सन पूछ रहा है सेकंड पर्सन से, किसके बारे में? थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन कितने हैं जी? मिनिमम दो हैं, कम से कम दो हैं, तो प्लूरल हो गए ना। दो हो चाहे हजार हो, है वो प्लूरल। हम क्या करेंगे? तुरंत डू लगाएंगे। कब? जब यस नो क्वेश्चन पूछना हो डेली लाइफ का। डू, डू के बाद फिर वही कहानी कि क्या वो जो सामने जो दिख रहे हैं दो या दो से ज्यादा, क्या जिससे मैं सवाल कर रहा हूं उसके कुछ लगते हैं? तो हम योर करके बोलेंगे कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स ज्यादा हो गई। डू योर गर्लफ्रेंड्स, डज नहीं आएगा। डज कब आएगा? डज योर गर्लफ्रेंड, एक से ज्यादा है तो डू योर गर्लफ्रेंड्स। क्या तुम्हारे माँ बाप, अब माँ बाप दो हो गए तो डू योर पेरेंट्स, समझ रहे? डू योर पेरेंट्स, या डू योर मदर एंड फादर ऐसे भी कह सकते हैं, डू योर ब्रदर एंड सिस्टर। डू अगर नजदीक में कुछ लोग खड़े हैं, एक बंदा था तो हम दिस लगाते थे, दूर था तो हम दैट लगाते थे, अब नजदीक में अगर एक से ज्यादा है तो हम दीज लगाएंगे कि क्या ये लड़के, डू दीज बॉयज, क्या वो लड़कियां, डू दोज गर्ल्स, ऐसे करके बात करेंगे। उसी तरह अगर मेरा है, उसका है, किसी का है, तो क्या मेरे बेटे, डू माई सन्स, सन्स एक से ज्यादा है, डू लगेगा। एक बेटा है, डज माई सन, तुरंत डज हो जाएगा और इधर सन हो जाएगा, इसका ख्याल रखना है। क्या उसका, उसके दोस्त, तो डू हिज फ्रेंड्स। क्या उसके बॉयफ्रेंड्स, डू हर बॉयफ्रेंड्स, एक से ज्यादा है तो डू लगाओ। क्या हमारे बेटे, डू आर सन्स, क्या हमारे बच्चे, डू आर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब एक से ज्यादा, चिल्ड्रंस नहीं होता है, अगर ऐसे लगता है तो एपोस्ट्रोफी ऐसे लगता है। एनीवेज, क्या उनके बेटे, डू देयर सन्स, इस तरीके से। तो ये आप समझ गए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी कि हम सवाल करेंगे तो हमें डू लगाना है, याद रखिए डू लगाना है थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। और डू कहां कहां लगता है? आई, वी, यू, इतना सुना है, फिर आपने दे भी सुना होगा, वो दे क्या है, यही है ना, थर्ड पर्सन प्लूरल। अगर आपको इतना माई योर नहीं करना है, सीधा दे कर दो कि क्या वे लोग बाजार जाते हैं, डू दे गो टू मार्केट, तो आप दे तो तभी करेंगे ना कि उससे पहले जरा उसकी इंक्वायरी ले ले कि तुम्हारा क्या लगता है, मेरा क्या लगता है। इसलिए अगर मेरा तुम्हारा कुछ लगता है तो योर माई करके उसको, उसको उसकी पहचान बताएंगे हुँ? और अगर जब पहचान उसकी हो गई है तो फिर बार बार योर माई नहीं करना है, आप सबको मिलाकर के एक दे, एक प्रोनाउन लगाओ, कहानी खत्म, दे कर दो, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, ये हो गया। अब इसका जवाब, अगर मैं बोलूं कि डू योर फ्रेंड्स गो टू मार्केट, कि क्या तुम्हारे दोस्त मार्केट जाते हैं, एक से ज्यादा है, अब बोलेंगे हाँ मेरे दोस्त, तो आप बोलेंगे यस माई फ्रेंड्स, यहां भी फ्रेंड्स, अब यहां गो है तो गो ही रहने दीजिए, गो टू मार्केट। आपको फिर वो एस या ई एस नहीं लगाना है, जो आपने डज वाले में सीखा था ना, इसमें नहीं लगाना, इसमें सिंपल, डू योर फ्रेंड्स गो टू मार्केट, यस माई फ्रेंड्स गो टू मार्केट। नहीं जाते नेगेटिव में तो बोलिए नो, फिर यहां बोलिए माई फ्रेंड्स, नो माई फ्रेंड्स, यहां पर आपको डोंट लगाना है, डजेंट नहीं लगाना है, कॉमन सेंस है, डू से सवाल करे तो डोंट लगा दो, डज से सवाल करे तो डजेंट लगा दो, तो नो माई फ्रेंड्स डोंट, बाकी सेम है, गो टू मार्केट, कोई एस सी एस नहीं है, मतलब डू वाले में तो एस सी एस होगा ही नहीं, हो गया। डू योर पेरेंट्स गो टू पार्क, यस माई पेरेंट्स गो टू पार्क, नो माई पेरेंट्स डोंट गो टू पार्क, डोंट, अगर एक पापा या मम्मी अलग अलग हो तो डजेंट का इस्तेमाल करेंगे ना नेगेटिव में, ऐसे है। डू योर चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, यस माई चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, नो माई चिल्ड्रेन डोंट गो टू स्कूल, समझ गए गाइस। तो बस आई थिंक वीडियो आज काफी बड़ी हो चुकी है, तो यही था आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी बता चुका हूँ, इस बनाए और उसमें यस नो तो करें, साथ में डब्ल्यू एच वर्ड्स भी लगाए और प्रैक्टिस करें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम काफी अंदर घुस चुके हैं और देख लीजिए कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में कितनी मेहनत करनी है और आप ट्रांसलेशन सीखते निकल जाते हैं बिना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगला कोई वीडियो लाऊंगा, और अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर